Bhalok, hit like in 3 seconds and you will get 69 years of good luck. And trust me, Bhalok, it works. So 3, 2, 1. Lal Singh Chadha is the fastest man alive. और इस सीन में दिखाया है कि अपने लाल भैया रेस जीत भी गए हैं, पर ना ना ना, क्योंकि लाल भैया का एक पैर अभी लाइन पर है और दूसरा पैर अभी जमीन पर आया भी नहीं, और उससे पहले पीछे वाले भाई का पैर जमीन पर आ गया। सो टेक्निकली लाल भैया ये मैच हार चुके हैं, बट मूवी में दिखाया है कि वो जीत गए हैं। और मजे की बात कि इन सबसे तेज तो कैमरामैन भाग रहे हैं, क्योंकि इन सबसे पहले कैमरामैन पहुंचा लाइन पर। और भाई लोग, शाहरुख खान का कैमियो भी है इस फिल्म में, जिसका मैं इस वीडियो के एंड पर दिखाऊंगा, सो उसे मिस ना करना। खैर, लाल सिंह चड्ढा एक ऐसी मूवी है जिसे देखने के बाद आमिर भाई की आंखों में भी आंसू आ गए, जैसे रियल फॉरेस्ट गंप इन्होंने देखी ही नहीं थी। अच्छा खैर, इस सीन में टीचर लाल को चौक दे रही है कि बताओ ये कौन कौन से फ्रूट्स हैं। हेलो मैम, ही इज हियर। अबे लाल यहाँ है, पर ये किसे चौक दे रही है। पर लाल को एप्पल में भी रूपाई दिखती है, केलों में भी रूपाई दिखती है, और इस चपाती में भी रूपाई दिखती है। इस बात में पता नहीं क्या सेंस थी, पर इस छोटू चिरकुट को लगता है कुछ ज्यादा ही समझ आ गई है। अबे अपना काम कर। और लेक्चर यहाँ इंग्लिश का चल रहा है, पर ये बच्चे कहीं और ही नोटबुक लेकर बैठे हुए हैं। भाई इस सीन में लाल बैठा हुआ है और एकदम उठकर भागने लग जाता है, और कई सालों तक भागता रहता है। पर लाल भैया भागने से पहले अपने घर का दरवाजा तो बंद कर जाते हैं, और दरवाजा खुला ही छोड़ के भाग गए। और वैसे ये दरवाजा भी क्या अब तक खुला ही होगा। एक्सप्लेन अस प्लीज। और भाई लाल को भागता हुआ देखकर हर बंदा यही सोच रहा होगा कि Why are you running? मैंने भी यही सोचा कि लाल भैया भागते भागते ऊपर से कपड़े बदले जा रहे हैं, पर नीचे से इनके पुराने जूते भी कहते होंगे भाई हमें भी बदल लो। पर फिर मुझे पता चला कि लाल भैया एकदम भागना इसलिए चालू हो गए बिकॉज दिस सीन इज स्पॉन्सर्ड बाय वॉक करो। अच्छा, क्योंकि हम 1 किलोमीटर भागे तो हमारी सॉक्स में से उंगली बाहर आ जाती है, और इन्होंने इतने सालों के बाद भी वही जूते और सॉक्स पहनी हुई है। आई मीन दिस इज द बेस्ट जूतों का कमर्शियल आई हैव एवर सीन यार। और वैसे यार लाल भैया भागते भागते सो भी रहे हैं, कपड़े भी चेंज कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, हग भी कर रहे हैं दूसरों को, पर दाढ़ी और बाल भी कटवा लेते साथ साथ ही। Just asking. और लगता है लाल के बाल सिर्फ ऊपर से बड़े हो रहे हैं, नीचे से नहीं हो रहे, क्योंकि छोटे वाले बाल नीचे से क्लियरली नजर आ रहे हैं। और छोटे बोले तो रियल वाले बाल ये एक जगह से भाग रहे हैं जहाँ बारिश हो रही है, पर पीछे धूप निकली है। खैर, ये सीन देखकर आपके भाई को भी जोश चढ़ गया और मैंने भी भागना शुरू कर दिया, पर गली के एंड पर जाकर ही थक गया। थैंक्स टू डिज्नी कार्टून्स। हेलो, इस मूवी में हीरो की माँ की उम्र है 40 साल और बेटे की है 57। इंटरेस्टिंग ना। खैर, इस सीन में ये बंदा बच्चों की पिक्चर लेता है, पर जब ये पिक्चर प्रिंट होकर आती है तो ये वो पिक्चर है ही नहीं जो इस फोटोग्राफर ने ली थी, क्योंकि यहाँ ये बच्ची कहीं और ही देख रही है और ये वाली कहीं और, जबकि वो एकदम डिफरेंट फोटो थी। हेलो, इस फिल्म में जो बाला है वो आपको मनी हाइस्ट के डेनवर का इंडियन वर्जन नहीं लगा। खैर, आपको भी लगा तो कमेंट में जरूर बताना। खैर, अब टाइम आया है SRK के उस कैमियो का जो SRK ने उन लोगों के लिए किया है जो लाल सिंह चड्ढा को बायकॉट कर रहे हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर तो जरूर करना यार, क्योंकि वो सीन ये है कि तूने किया ये क्यों किया। What a song baby song by Norvex Sound DJ Max। यो यो बुरा बच्चन जी, आ आ मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी।